कंचन खाना खजाना में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का सूप। अगर आपके पास खट्टे आम हैं, गलती से खट्टे आम आ गए हैं, तो आप उसका सूप बना लें, परेशान ना हो। हम आम का इस तरह से छिलका लेते हैं उतार और सूप तैयार करेंगे। देखिए, जो हम ढेर सारे आम खरीद के लाए थे उसमें ये जो खट्टे निकले हैं आम, इनका हम सूप तैयार कर रहे हैं। तो आम हमने छील लिए हैं, छिलके निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले प्याज का मसाला बना लेंगे। एक बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और ये दो प्याज मैंने पेस्ट बनाया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट है। देखिए, एक मिनट मैंने प्याज चला करके पका लिया है। अब इसके साथ हम ये जो मैंगो है ये उसे बिल्कुल साबुत ही डाल देंगे और दो मिनट पकाएंगे। देखिए, दो मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं और थोड़ी हल्दी डालेंगे। फिर से चला देते हैं। ये देखिए, ये हम चीनी डाल लेते हैं ताकि सूप हमारा इतना टेस्टी तैयार हो। और चीनी के साथ साथ बाकी के इंग्रेडिएंट भी डाल देंगे। ये देखिए, ये पिसा हुआ धनिया है और ये जीरा पिसा हुआ, ये डाल रहे हैं हम गरम मसाला। आप मिक्स मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने घर पर ही जो गरम मसाला तैयार किया है वही डाला है। और ये है कश्मीरी मिर्च। एक मिनट चलाएंगे। देखिए, एक मिनट चला लिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी भी मिक्स हो गई है, बहुत अच्छे से पक चुका है सब कुछ। तो चलिए, अब इसमें डालेंगे पानी क्योंकि हमने सूप तैयार करना है। दो गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। देखिए, छोटे गिलास ढाई से तीन गिलास डालेंगे और बड़े गिलास पूरे दो गिलास भर करके। तो देखिए, हमारा आम का सूप एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, कुकर खोल लेते हैं और सूप चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूप एकदम परफेक्ट पक कर के रेडी हो चुका है। ये अपने आप इस तरह से घुल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको सब्जी की तरह भी खा सकते हैं, सूप की तरह से भी। अगर आपके पास खट्टे आम आ चुके हैं तो घबराएं नहीं, इस तरह से उसे यूज़ करें। बहुत ही स्वादिष्ट सूप तैयार हो चुका है। आप इसे सब्जी बोलें, सूप बोलें, आम की सब्जी, बहुत स्वादिष्ट। तो चलिए, सर्व करते हैं। लीजिए, सर्व कर रहे हैं हम। लीजिए, हमने खट्टी मीठी सब्जी जो है सर्व कर ली है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इतनी अच्छी महक आ रही है और आप बहुत जल्दी से बन जाती है। आप बनाएं, खाएं रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, और इस तरह से सूप भी पी सकते हैं आप। बहुत ही स्वादिष्ट सूप बना है। अगर आपको हमारी बनाई हुई इतनी टेस्टी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।